सरपंच की मनमानी से ग्रामीण परेशान, लगातार निवेदन करने के बाद भी नहीं सुनते सरपंच सचिव। ग्रामवासी जन सुनवाई में भी दे चुके हैं आवेदन। प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायतों की स्थिति में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं सरपंचों सचिवों का मनमाना दौर लगातार जारी है। इसी दौर में ग्राम पंचायत माहौर के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरपंच सचिव से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। आखिरकार समस्याओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने जन सुनवाई में आवेदन दिया, लेकिन वहां से भी इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक आवास योजना का लाभ हमें नहीं मिला। हम जब सरपंच साहब से बोलते हैं तो उनका कहना यह है कि अभी सरकार की तरफ से हमें बजट नहीं मिला, जबकि उनके द्वारा अपनी पहचान वालों को कुटीर उपलब्ध करवा दी गई है। यहां तक कि कुछ ग्रामीणों के पास तो राशन कार्ड तक उपलब्ध नहीं है। राशन कार्ड उपलब्ध ना होने की वजह से कभी कभी हमें खाने के लाले पड़ जाते हैं। जिस दिन हम मजदूरी करने नहीं जाते उसी दिन हमें रूखा सूखा खाकर सोना पड़ता है। यहाँ तक कि सरपंच के द्वारा जो विकास कार्य इस माहौर पंचायत में करवाए गए हैं वो भी देखने में निराधार ही नजर आते हैं। सीसी खरंजा के नाम पर धूल मिट्टी और कीचड़ की भरमार है। यहाँ तक कि तालाबों के निर्माण के नाम पर सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। वोटर आईडी सर्वेयर टीम के द्वारा ग्रामीणों के परिवार में जो एक सदस्य साथ रहते हैं उन्हें भी दूर दूर दर्शाया गया है। अब अगर प्रशासन के पैसों का इसी तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा तो सरपंच सचिवों के द्वारा लगातार मनमानी की जाती रहेगी, तो किसी भी गांव की स्थिति में सुधार होना असंभव है। नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर माहौर। कहाँ से आए आप? ग्राम माहौर पोस्ट पगारा जिला गुना विकास खंड तहसील गुना। जी बताए किस समस्या को लेकर ज्ञापन देने आए? कई बिंदी है, एक बिंदु नहीं है हमारा। एक तो ये है कि शासकीय भूमि पे दमंग लोगों ने अतिक्रमण किया है, वो हटाया जाए नंबर एक। और गरीबों को जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, उनको पात्रता अनुसार भूमि दी जाए। और दूसरी ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो नीतिबद्ध काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग को सबको कुटीर मिल गई, हरिजन लोगों को एक को भी कुटीर नहीं मिली। नंबर तीन, जो सूची है मतदाता सूची वो अवैध प्रकार से प्रकाशित की गई है। पत्नी का नाम जहाँ तो पति का नाम जहाँ, भाई का नाम जहाँ तो दूसरे भाई का जहाँ, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्लों में, मतलब पूरे अवैध प्रकार से पूरा कार्य हो रहा है। नई टीम जाके कलेक्टर साहब के समक्ष में जाके सर्वे किया जाए, गाँव का देखा जाए, गाँव का माहौल देखा जाए और गाँव के लोगों से पूछा जाए कहाँ सब क्या है और क्या नहीं है। पूरी इंक्वायरी करी जाए, जो पूरी इंक्वायरी करी जाए, विधिवत सर्वे किया जाए गाँव का, और जो पात्रता के अनुसार हमें उनको दिया जाए। हरिजन मोहल्ला में दमंग लोगों को जिनके पास भूमि है, ट्रैक्टर है, उनके पास राशन कार्ड है बीपीएल के, जिनके पास कतई भूमि नहीं है, जो मजदूरी कर रहे हैं उनके लिस्ट से नाम हटा दिए गए। कहने पर सरपंच और सेक्रेटरी और पटवारी जिनसे द्वारा जो भी होता है वो कहते हैं हम ऊपर से आदेश नहीं, हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से कह दिए काट दिए। ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं? परेशान 108 की लिस्ट है मेरे पास, ये देखिए आप, 108 की लिस्ट है मेरे पास और 12 लोग मेरे साथ आए हैं। अब बेचारे वो मजदूरी कर रहे हैं, वो आ नहीं सकते। आप चाहें तो 12 100 पत्नियों को ना उनको बच्चों को लेकर मैं आ सकता हूँ।